नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा लगातार ऑपरेशन प्रहार के माध्यम से नशाखोरी करने वाले वो बदमाशों को चिन्हित कर पुलिस जहां उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, वह इंदौर नगर निगम का अमला बदमाशों द्वारा अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाकर उनको आर्थिक नुकसान भी पहुंचा रही है। दीपावली पर्व के निपटान के बाद एक बार फिर नगर निगम ने ऑपरेशन प्रहार शुरू कर दिया और उसके तहत इंदौर बाणगंगा थाना क्षेत्र के कुख्यात महिला डॉन गांजा तस्कर डिंपल के घर पर नगर निगम द्वारा बुलडोजर चलाया गया है। वहीं बाणगंगा थाना क्षेत्र के स्टेट बदमाश महेश बाबा भाट के अवैध मकान पर भी नगर निगम द्वारा बुलडोजर चलाया गया है। गौरतलब है कि दीपावली पर्व पर आरोपी महेश बाबा भाट क्षेत्र में हुड़दंग बचाते हुए आग जलाने की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस द्वारा दिए गए गुंडे लिस्ट के बाद नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए महिला सहित क्षेत्र के कुख्यात बदमाश के अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। आज सुबह कमिश्नर मैडम के आदेश पर सुबह हम लोगों ने दो कार्रवाई करी हैं। जोन नंबर 17 में वाणगंगा थाने के अंतर्गत दो अपराधी लोग थे, एक महेश भाट और एक डिंपल महिला थी। ये लोग अवैध तरीके के, दुनिया भर के इनके सब गलत काम थे। पुलिस की मैडम को पुलिस ने लिखा था, मैडम ने फिर अपने स्तर पर भी जांच कराई थी और चूँकि नगर निगम से उनके दोनों के मकानों पे किसी तरह की कोई परमिशन नहीं थी, इसलिए फिर आज सुबह कमिश्नर मैडम के आदेश पे हम लोगों ने सुबह वो दोनों मकान तोड़े हैं उसमें, और आम लोगों को वहाँ बड़ा सुकून मिला और लोगों ने इस कार्रवाई को, नगर निगम की इस कार्रवाई को बहुत अप्रिशिएट किया कि उनके बगल में इतने ख़राब लोग रहते थे जिससे कि पूरे मोहल्ले का जो माहौल था, वातावरण था, वो ख़राब होता था। जो महिला है वो अवैध तस्करी करती थी, गांजा लगातार बेचती थी, कई तरह की शिकायत रहवासियों द्वारा भी की गई थी। हाँ, रहवासियों ने करी और जब हम लोग मौके पे थे तो भी लोग आए कि ये नगर निगम एक अच्छा काम कर रहा है और लोगों को वहाँ पे शांति से सुकून से जीने का अवसर मिल रहा है। जो महेश भाट है उसने दीपावली पर्व के क्षेत्र के अंदर आगजनी की कार्रवाई भी, हाँ, चूंकि वो पुलिस का पॉइंट था, लेकिन आज सुबह जो हम लोगों ने कार्रवाई करी है, चूंकि नगर निगम में किसी तरह की कोई परमिशन उसके घर पे नहीं थी, वो इसलिए हम लोगों ने घर भी उसको हटाया और पुलिस प्रकरण तो थे ही उस पर दर्ज। ऑपरेशन प्रहार लगातार चालू रहेगा, कितने और लोगों पर कार्रवाई? कमिश्नर मैडम इसमें लगातार निगाह रखती हैं और जैसे जैसे मैडम कहती हैं फिर उसके उनके आदेश का पालन करते हुए हम लोग ऐसे कार्रवाई करते हैं और ये कार्रवाई लगातार हो रही है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।